चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति अंतर्गत बनकोड़ा बालिका विद्यालय रिक्त पदों की वजह से सेवानिवृत्त हुए राजकीय शिक्षकों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। बालिका विद्यालय बनकोड़ा के प्रधानाध्यापक सुशील चंद्र श्रीमाल ने बताया कि 2008 में सेकेंडरी से 2012 में क्रमोन्नत हुए इस विद्यालय में अंग्रेजी भूगोल के व्याख्याताओं का पद रिक्त चला आ रहा है। विद्यार्थियों के कक्ष की कमी की वजह से बालिकाओं को बैठने की भी समस्याएं हैं। विद्यार्थी कक्ष अत्यंत छोटे हैं और एक भवन जिसका निर्माण हुआ है लेकिन उसका उद्घाटन नहीं होने की वजह से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परकोटा काफी क्षतिग्रस्त व उसकी ऊंचाई कम होने की वजह से पास में नालियां काफी परकोटे के भीतर पानी आ रहा है जिसकी वजह से वहां पर बोए हुए पौधे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। 2012 में अंग्रेजी व हिंदी के पद रिक्त व गणित के पद 2017 से और भूगोल का पद आज से ही रिक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि 2015 में सेवानिवृत्त हुए व्याख्याता लक्ष्मण सिंह चौहान इस विद्यालय में समर्पण भाव से निशुल्क शिक्षा प्रदान कर बालिकाओं को लाभान्वित कर रहे हैं। सेवानिवृत्त हुए व्याख्याता लक्ष्मण सिंह चौहान से बात करने पर पता चला कि उन्हें शिक्षण कार्य में रुचि है और वे विद्यार्थियों को शिक्षा देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्हें इसमें काफी खुशी होती है। 2015 से 2020 तक उनका 100% रिजल्ट रहा है और वह इस कार्य में सरकार से एक भी रुपया नहीं लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बालिकाओं के भविष्य के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बनकोड़ा बालिका विद्यालय में शिक्षकों का अभाव, ऐसे में किस तरह से बालिकाओं का स्वर्णिम भविष्य बनेगा। फिलहाल प्रधानाध्यापक सुशील चंद्र श्रीमाल, शैलेंद्र जैन, मीनाक्षी कांडा, प्रभुलाल आहारी, रेणु जैन, नीता भुक्तावत, राजश्री जैन, किरण जैन, चेतना सुथार, वरिष्ठ सहायक हरि सिंह राठौड़, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक चंद्रवीर सिंह पवार इस विद्यालय में कार्यरत हैं। इस अवसर पर समाज सेवी महिपाल सिंह राणावत, लोकेंद्र सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय विगत 2008 से सेकेंडरी था, इसके बाद यह विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा जो है वह सत्र 2012 के अंदर क्रमोन्नत हुआ, लेकिन कई विगत वर्षों से जो है वह हिंदी अंग्रेजी साहित्य भूगोल के पद रिक्त रहे हैं। इसके बाद में कक्षा कक्ष की कमियां रही है बहुत सारी और जो कक्षा कक्ष हैं वह भी न्यून हैं, छोटे हैं और यह प्रारंभिक शिक्षा के तहत है, लेकिन स्थानीय विद्यालय के अंदर जो कक्षा कक्ष का निर्माण हुआ है वह भी पूर्ण है लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। बालिका सीनियर स्कूल के अनुसार परकोटे की ऊंचाई बहुत कम व परकोटा क्षतिग्रस्त हो रहा है। नवीन आवंटित भूमि पर परकोटा नहीं बना हुआ है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 2012 से अंग्रेजी व हिंदी साहित्य के व्याख्याताओं का पद रिक्त रहा है। गणित सेकंड ग्रेड की पोस्ट भी 2017 से जो है वह रिक्त है, वह भी क्रमोन्नत होकर जो है वह अन्यत्र विद्यालय में है। वर्तमान में भूगोल व्याख्याता का स्थानांतरण होने से पद आज से ही रिक्त हो गया है। कनिष्ठ लिपिक व पुस्तकालय प्रभारी का पद भी रिक्त रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी रिक्त है और स्थानीय विद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक का रिक्त पद होने के कारण भी यहाँ पर सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री लक्ष्मण सिंह जी चौहान साहब जो हैं वह विगत 5 वर्षों से अध्यापन का कार्य करा रहे हैं और इनका पद रिक्त होते हुए भी उनका काम जो है वह रिजल्ट उनका जो है वह 100% 5 वर्षों तक रहा है। साथ ही सेवानिवृत्त
श्री लक्ष्मण सिंह जी चौहान द्वारा निःशुल्क अंग्रेजी और भूगोल का शिक्षण का कार्य भी कराते रहे हैं। यह बालिकाओं के कारण से ही यह जो है वह अपना कार्य कर पा रहे हैं। तो आप तो यह बता रहे हैं कि कुल मिलाकर इस विद्यालय में बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं अभी भी, और इस तरह से रिक्त पद पड़े हुए हैं तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, सारे विषय किस तरह से पढ़ा पाते हैं? जो पद यहाँ पर हैं ये सेवानिवृत्त हमारे जो प्राध्यापक जो सेवानिवृत्त हैं सहायता से ही पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में पास में पीओ स्कूल है तो वहाँ के प्राध्यापक भी अंग्रेजी के अर्जुन लाल जी परमार और पहले अभी जो है वह स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन वह पहले प्राध्यापक जो थे उन्होंने भी पढ़ाया है। गणित के अंदर भी यहाँ पर शैलेंद्र जी जो है वह सामाजिक के वरिष्ठ अध्यापक होते हुए भी पद विरुद्ध जो है वह अपना काम कर रहे हैं, और गणित का रिक्त पद जो है वह रिक्त ही है। आपका शुभ नाम सर? सुशील चंद्र श्रीमान। सागरा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। इस विद्यालय में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी निशुल्क इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर आपका जो सेवानिवृत्ति काल सेवानिवृत्ति वर्ष था वो कौन सा है? 2015 से, मतलब कि आप 5 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। जी 76 साल जी। थोड़ा आप इस विद्यालय के बारे में बताएं। यहाँ मैं जैसे ही मेरा रिटायरमेंट हुआ था तो यहाँ मेरा आना हुआ संपर्क के लिए, और देखा कि यहाँ सीनियर क्लासेस की बच्चियाँ वगैरह सब नीचे बैठती हैं। जो न्याय संगति था उस समय महेश जोशी, चंद्रवीर सिंह जी पवार जो यहाँ कार्यरत नहीं थे, इसके बावजूद हमारे साथ में आए, विद्यालय स्टाफ भी रहा, और लगभग हमने 2 दिन में 50 सेट्स फर्नीचर के तैयार कर दिए इन बच्चियों के लिए। और उसी समय मुझे ये आभास हुआ कि अंग्रेजी को कोई लेक्चरर नहीं है, उस टाइम पे ज्योग्राफी का भी लेक्चरर नहीं था, तो मैंने कहा भाई 2-3 घंटे में आपको दे सकता हूँ। उस पहल में तत्कालीन प्रधानाचार्य जो थे सुखदेव उपाध्याय, नेक्स्ट प्रकाश चंद्र उपाध्याय, और इसके साथ में वर्तमान में जो चल रहे हैं सुशील चंद्र श्रीमान, इनके व्यवहार और इनके आग्रह पे मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, और जैसे कोई रेगुलर टीचर पढ़ाते हैं वैसे मैं पढ़ाता रहा। तो यहाँ पर विशेष योगदान शिक्षण संबंधी हमें मिला, इंटर्नशिप के लिए कुछ बालिकाएँ, नाम मुझे ध्यान में नहीं है, एक शिक्षक भी थे इंटर्नशिप में, खुशराज सिंह पवार, मैं मानता हूँ उस कम उम्र के बालक को जो गणित का एक मास्टरमाइंड आदमी था उसका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है हमें। और यहाँ का जो स्टाफ है मिलनसार, व्यवहार कुशल है, इस वजह से काफ़ी अच्छा लगता है। और सेवानिवृत्ति के बाद में 2 घंटे का समय देना कोई ख़ास बात नहीं है, खेती बाड़ी वगैरह सब है, लेकिन समय पर वो भी हो जाता है। और इस पुण्य के कार्य में मैं वैसे भी काफ़ी रुचि है, और मैं ये सोच रहा हूँ जब तक हमारा शरीर काम करता रहे और ये पद रिक्त रहे तो यहाँ आते जाते रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वैसे मेरा परीक्षा परिणाम 10वीं 12वीं 100% ही रहा है, और इस साल भी कोरोना की मार भले रही है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब भी रिजल्ट तो इस साल का भी 100% रहेगा। आप कौन से विषय पढ़ाते हैं? मैं सर अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, 4 सब्जेक्ट से एमए हूँ। विशेष मेरी रुचि है ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ाने की, और यहाँ 2 पद दिखते हैं इसलिए बड़ा आनंद आता है पढ़ाने का, इस वजह से आ जाता हूँ। मुझे ऐसी कोई मुझे कोई मान दे मिले धन संपत्ति ना, ट्यूशन में विश्वास करता हूँ मैं, अपने एक दायित्व को समझते हुए मैंने ये बीड़ा उठाया है, और जब तक अपना शरीर स्वास्थ्य काम करता रहेगा मैं यहाँ इनको सहयोग देता रहूँगा। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही नेक कार्य है सर आपका। सागरा लाइव चैनल की ओर से आपको बहुत ही बहुत आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।